ओम शांति। 18 फरवरी 2019, बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। प्रश्न: तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, कैसे? उत्तर: तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो, सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो, यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना? बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो, जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो, वह हमारा बाप है, वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना? यह बुद्धि में हर वक्त याद करना है, लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह चक्र तो याद करेंगे ना? अपना जो पोजीशन मिला है, पार्ट बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम यह डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। यह चक्र तो फिरना चाहिए ना? इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है घर, बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं, बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है
उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। यह तो सबक पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो, बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो, वह धंधा आदि भी करना है। साथ में यह जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना, वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पार्ट बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे। बाबा तो नहीं करेंगे ना, बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है। यह समझाने के लिए ही आते हैं, युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। यह तो जानते हो, शरीर बिना आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते हैं। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिरताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं, यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, वह डेट्स लिखनी चाहिए। यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सर्टेन है हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। यह किसको मालूम नहीं जब तक तुम न बताओ। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, लौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं, गाते भी हैं हे प्रभु। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है
अविनाशी वर्षा लौकिक का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो यह अविनाशी वर्षा है और वह तो सब खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति हैं, उन्हों को माया चटकी हुई है, वह आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवास, भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब हैं। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते हैं जीना क्या काम का, ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाएं, दुख से छूटने लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में मांगते नहीं क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। यह बातें अभी तुम समझते हो, बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं, वो ही आकर ज्ञान लेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है, बॉक्सिंग में 1-2 से जीत पहनते हैं, बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है, बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं, यह अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है, नंबरवार तो है ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है, सब एकरस हो जाएं तो राजा ही ना बने, राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, यह सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो हैं उनको याद रहती हैं। यह बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए, बच्चे जानते हैं हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं, बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो, बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको यह पता ही नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा। तुमको यह चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड ग्रस्त आश्रम की। चित्र शोभता है
बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे चार भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप करते हैं। सबसे जास्ती नंबर वन यह पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। कृष्ण के लिए दिखाया है अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा है। अब यह तुम समझते हो चक्र आदि की तो बात ही नहीं। कितना फर्क है यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है सो भी अब बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो। कृष्ण को भी हिंसक बना दिया है। इसमें एकांत में विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है। वह बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है, कभी झुटके नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी अब बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है। फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत हैं जिनमें ना ज्ञान है ना योग है। कोई बुद्धिवान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर ना सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं यह बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। तो जो सच्चार बच्चे हैं वह कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है। यह भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट नुंधा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है। यह समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहां होते नहीं। यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं। आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है। यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। यह तो सतयुग के मालिक गोरे थे फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है।
तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो, लक्ष्मी नारायण को कहां काला कहां गोरा क्यों दिखाया है। कारण, ज्ञान तो है नहीं, कृष्ण ही गोरा फिर कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं, यह तो तुम अभी जानते हो। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है, लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो, यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। स्लोगन, शांति की वास धूप जगाकर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.